टू डराइव कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो नॉर्मली हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? कूलम लॉ से, और हम प्रूफ क्या करते हैं? गॉस थ्योरम किया था हमने, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम कूलम लॉ को हेल्प से. इसमें उल्टा करना है, गॉस थ्योरम यूज करो और कूलम लॉ पे जाओ. अब गॉस थ्योरम से अगर कूलम लॉ प्रूफ करना है तो जो कूलम लॉ है वो वैलिड किसके लिए था? फॉर ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. तो कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड था. तो पॉइंट चार्ज में काम करते हैं, क्यू इज द पॉइंट चार्ज. तो क्यू एक पॉइंट चार्ज ले लिया. इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर हम अगर कोई पॉइंट लें, तो जहां पर मैं आपको कहूंगी ई की वैल्यू निकालो, आपको कहे ई तो बड़ा आसान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. पर आप यूज नहीं कर सकते वो फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला तो इटसेल्फ किसने बनाया था? कूलम ने. उसको कैसे यूज करें? हमें ई निकालना पड़ेगा यहां पर बाय यूजिंग कॉस थ्योरम. तो हम क्या करेंगे, क्यू डिस्टेंस से, क्यू पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर एक गॉसियन सरफेस लेंगे. तो आर डिस्टेंस दूर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सभी को ज्वाइन कर देंगे. तो क्या बनेगा? इमेजिनरी स्फीयर. तो इमेजिनरी स्फीयर बन गया ये. तो यहां पर प्लस वन रख के क्यू प्लस वन को रिपेल करेगा ई, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर. तो ई और डीएस में एंगल क्या है? जीरो. तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है? ई डीएस कॉस जीरो. तो ई डीएस कॉस जीरो. टोटल इस गॉसियन सरफेस का, इमेजिनरी सरफेस है ये, एक्चुअल में कोई स्फीयर नहीं है. तो इस इमेजिनरी सरफेस का अगर मैं फ्लक्स निकालूं टोटल, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. तो इसका एरिया क्या आएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. लेकिन गॉस ने क्या कहा था कि इसका फ्लक्स क्या होगा? क्लोज बॉडी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब इसमें क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही यूज करना है, क्योंकि इसमें लैम्डा यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें सिग्मा और रो यूज नहीं होना, क्योंकि इट्स अ पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज का तो क्यू यूज करेंगे. तो ये भी फ्लक्स दोनों को इक्वेट करके क्या निकाल लिया? ई निकल गया. तो इस पॉइंट पर ई निकल गया. अगर मैं इस पॉइंट पर Q नॉट चार्ज को रखूं, तो वो Q नॉट चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. कितनी? F इज इक्वल टू QE, Q नॉट E, Q नॉट इनटू E. तो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा? Q नॉट इनटू E. इस E की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो Q और Q नॉट में फोर्स आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट बाय आर स्क्वायर. तो हो गया प्रूफ कूलम. क्या ये पॉइंट क्लियर है?